असलमैक मेरी YouTube फैमिली आज मैं बनाने वाली हूँ एक बहुत ही आसान और झटपट बनने वाली रेसिपी जो बच्चों बड़ों छोटों दरमियानों सबको बहुत पसंद आने वाली है तो मैं अपनी इस रेसिपी को आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और मेरे साथ रहिएगा और कहीं जाइएगा मत और मेरी पूरी रेसिपी को ज़रूर देखिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में भी आपने मुझे ज़रूर बताना है कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी और कमेंट करके बगैर आपने मेरी वीडियो को छोड़ना नहीं है ओके अल्लाह हाफिज़ हाँ जी अब हम सबसे पहले इसमें ऐड करेंगे आ, उबले हुए आलू उबले हुए आलू ऐड करने के बाद बाद आपने इसमें ऐड करने हैं दो अंडे उबले हुए और दो अंडे डालने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे जी इसमें ब्रेड क्रम्स ब्रेड क्रम्स आप किसी भी कंपनी के या घर में ही खुद ही बनाकर इसमें ऐड कर लें ठीक है इसके बाद आपने ऐड करना है इसमें नमक और इसके बाद ऐड करिएगा सुरख लाल मिर्चें और को और इसके बाद आपने ऐड करनी है ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्चें ठीक है ये आपने सारी मिक्स एंड मैच कर लेनी है और इसके बाद आपने बड़ा ही खूबसूरत स्माइली सा एग लेना है और इस एग को इस अमेज़े में जो है आलू हैं इनमें ऐड कर देना है और अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेनी है मिक्सिंग आप जब करेंगे तो ये बड़ा स्टिकी सा आपको लगेगा आप बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा आपने इसमें ऐड कर देने हैं थोड़े से ब्रेड क्रम्स और जैसे कि मैंने ऐड किए हैं और फिर हाथों को ग्रीस कर लीजिएगा और ताकि ये आपके हाथों पे चिपके नहीं फिर आपने गोल गोल प्यारी सी टिकियाँ बना लेनी है एक जैसी और फिर इसको आपने गरम ऑयल में फ़्राई कर लेना है कोई आपने कोटिंग नहीं करनी कोई आपने इसको जो है बार बार ब्रेड क्रम्स अंडे में नहीं डिप करना बस ये ऐसे ही फ्राई हो जाएंगी बस इस चीज़ का ख़्याल रखिएगा कि आप इसको ठंडे ऑयल में फ्राई नहीं करिएगा थोड़ा गरम ऑयल होना चाहिए वरना आपकी टिक्कियाँ फैल जाएंगी ठीक है ये हमारी माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी प्यारी सी टिकियाँ रेडी हो गई हैं और ये आप बहुत झटपट घर में इजीली बना सकते हैं टी टाइम में आप खा सकते हैं बड़े बड़ी हेल्दी होती हैं बच्चों के लिए और ये आप मटर पुलाव और आलू वाले चावल सबके साथ आप इसको इंजॉय कर सकते हैं आपने देखा होगा कि मैंने घर के मसाले ही घर की चीज़ों से ही ये बड़े अच्छे और इजी क्विक स्नैक्स बना लिए हैं और आपने भी इनको बना के एंजॉय करना है ये देखें जी गरम गरम टिक्की रेडी है और बहुत टेस्टी है और आ, आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी और अभी तक आप मेरे साथ स्टे किए हुए होंगे है ना और जो अभी तक मेरे साथ जुड़ा हुआ है वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताए ओके जी अल्लाह हाफिज़